हाय गाइस, मैं गहना वशिष्ठ आज के मेरे इस एपिसोड बी बोल्ड विद गहना में मैं स्वागत करती हूँ आयुषी भौमिक का। सो आयुषी, आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। तो हम जानना चाहते हैं आपसे आपकी जर्नी, आप कहाँ से आई हैं और आज जो आप इस मुकाम तक पहुँची हैं, आपने क्या क्या हर्डल्स देखे, आपने क्या क्या परेशानियाँ देखी और आपने अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस किया कि आप एक्ट्रेस बनेंगी और क्या आप हमेशा से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी? जी देखिए, मैं आई हूँ कोलकाता से, ठीक है, एंड मुझे मुंबई में रह के 8 ईयर्स हो चुका है एंड इंडस्ट्री में 2.5 हो चुका है। सो एक्टिंग वॉज इन माई ब्लड एक्चुअली देखा जाए तो। सो यू नो वट कहते हैं ना, एक वर्ड जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हो ना, वो आपको घूम फिर के मिल ही जाता है। सो एक्टिंग मेरे लिए ऐसी ही हुई है। तो आई वॉन्ट टू थैंक लॉकडाउन, कि लॉकडाउन हुआ तो मुझे मेरा पहला प्यार मुझे मिल गया एंड आई वॉज सो ग्लैड। एंड मुझे ऑनेस्टली पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, because I am a ikhlota, I am a like one single child, so they are like I am a very pampered child, so उन्होंने कभी मना नहीं किया किसी चीज के लिए, they are like कि live your own life, that's it। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे इंडस्ट्री थोड़ी सी बदनाम है, कभी लोग कास्टिंग काउच की बातें करते हैं, कई बार लोग कहते हैं हम आपको सेम डे पेमेंट दे देंगे, फिर वो पेमेंट ही नहीं देते, फिर कुछ लोग कहते हैं हम 90 डेज में पेमेंट दे देंगे, फिर वो 90 डेज कभी नहीं होते उनके। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स आपने कभी फेस की हैं? स्टार्टिंग में यस आई हैव, पर धीरे धीरे जब मेरा मार्केट में नाम स्टार्ट हुआ कि ये लड़की है, तो आई डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम आफ्टर दैट। लवली, तो मुझे एक बात बता आयुषी, जैसे कि आप कभी इंटीमेट सीन करती हैं जी, ये बोल सीन्स करती हैं, तो सबसे पहले तो दर्शकों को बताइए कि जो बोल सीन्स होते हैं वो किस तरीके से फिल्माए जाते हैं और वाइल डूइंग सच सीन्स वहां पे कितने लोग होते हैं या आपके कंफर्ट जोन का कितना ख्याल रखा जाता है, तो बताइए लोगों को कि इंटीमेट सीन्स कैसे शूट होते हैं। देखिए, मैं जानती हूँ पब्लिक क्या सोचते हैं, बट हम जानते हैं कि इंटीमेट सीन्स क्या होता है एग्जैक्टली और किस वे में शूट किया जाता है। पब्लिक को जो इमेजिन करना है वो इमेजिन कर सकते हैं, बट वी आर्टिस्ट नो कि हाउ इट इज शॉट। सो बेसिकली आप टोटली कंफर्टेबल, यस आपको पूरा टीम मेंबर्स आपको कंफर्टेबल करते हैं, आपको पूछा जाता है कि आपको बेसिकली कितने लोग चाहिए रहते हैं। सो कैमरा पर्सन ही ओनली इज देयर, नदर लाइट पर्सन रहते हैं कोई नहीं रहते है, सिर्फ मैं आर्टिस्ट और जो हमारे डायरेक्टर है, दैट्स इट। लवली, और कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक्टर आपको बहुत पसंद आ गया हो और आप ऑल ऑफ सडन टर्न ऑन हो गई हो और ऐसा आपको लगा बस यार ये सीन रुके ना, ऐसा स्मूथ चलता रहे okay. और अचानक से हेयर वाला आए, आपके बाल सही करने लगे या मेकअप वाला आए सही करने लगे, डायरेक्टर बोले कट यार, तो अंदर से तो यार क्यों रोक दिया, करने देना था, ऐसा हुआ है कभी? Yes, एक बार हुआ था जब फर्स्ट टाइम मैंने बोल्ड किया था अपने लाइफ में, इट वाज सदर रक्षण्या फॉर नेट प्राइम, सो आई हैड अ वेरी स्मूथ इंटीमेट स्मूथ सीन था, ठीक है, और बहुत ही हैंडसम एक्टर थे अर्जुन कुमार करके, बॉडी शॉडी सब थे एंड मेरे को ना सिक्स पैक्स वाले लड़के बहुत पसंद है, सो देयर इट वाज अ वेरी रोमांटिक एंड बोल्ड। सो वो स्मूथ कर रहे अचानक से कैमरा का प्रॉब्लम होता है, एंगल्स का कुछ इशू होता है, कट इट एंड इट वाज लाइक कट हो ही नहीं रहा, हम दोनों का चल रहा है, वी वर सो इंटीमेट ईच अदर, तो वही बोलते हैं, आई वाज लाइक ठीक है फाइन, तो डायरेक्टर वाज लाइक कि बेटा तुम दोनों का चल क्या रहा था बीच में, तुम दोनों का टर्न आउट हो गया तुमने, अरे सर आप ऐसे लाइट्स में ब्लू लाइट्स में दैट टू मेरा सेक्सी सॉन्ग बजाओगे कोई भी टर्न ऑन हो जाएगा। तो ऐसा हुआ है कि जैसे आपने सीन किया उसके बाद कभी किसी लड़के के साथ आप रिलेशनशिप में आ गई हो, क्योंकि आपको उसके साथ इतना अच्छा लगा है, आपने उसके साथ इतने अच्छे से अपने आपको फील किया है, तो कभी ऐसा हो कुछ एक्टर के साथ आप रिलेशनशिप में आ गई हो, कुछ टाइम तक वो रिलेशन चला हो, बाद में वर्कआउट हुआ हो ना हुआ हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हैव यू एवर गॉट इनटू रिलेशनशिप आफ्टर सच सीन? नॉट बेसिकली, वी आर लाइक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। कैसा रहा एक्सपीरियंस? किलर। यस,
कुछ एक्सपीरियंस बाकी कलर होते हैं. एग्जैक्टली. तो मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने तो अभी आप सिंगल हैं या कमिटेड हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो आप कैसा लड़का देख रही हैं, हमारे दर्शकों को बताइए ताकि आपका कोई फैन आपको ट्राई कर सके, प्रपोज कर सके या आपको जो पसंद है वैसा कुछ कर सके. ओके. यस आई एम सिंगल, बट ट्राई मत करना बिकॉज मुझे संभालना बहुत मुश्किल है. आई एम अ वेरी टैंट्रम गर्ल. मेरे को अंडरस्टैंडिंग चाहिए लड़के में ऑफकोर्स, एंड लॉयल्टी चाहिए, एंड आई थिंक द गाय शुड बी अ गुड फ्रेंड. अगर आप गुड फ्रेंड्स हो तो आई कैन हैंडल एनीथिंग विद दैट पर्सन. सो या, बट मत करो मेरे साथ कोई भी रिलेशनशिप में. अरे यार, आपने फैंस को नाराज कर दिया. कुछ नहीं, नहीं, फैंस मुझे बहुत प्यार करते हैं. दे हैव सीन माय अप्स एंड डाउन्स विद मी, सो आई डोंट थिंक सो उनको कोई इशू होने वाला है. तो आयुषी, जैसे कि आप 2.5 साल से फिल्म इंडस्ट्री में, बट बॉम्बे में आप 8 साल से हैं जी, तो आपके बहुत सारे फैंस होंगे. ऑफ कोर्स. आपके शहर से होंगे, आपके स्कूल में होंगे, है ना. yes. तो आप उन्हें कोई ऐसा मैसेज देना चाहती हैं कि अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं जी, और उनका करियर वो फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं, तो उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे, उन्हें कुछ टिप्स दीजिए. देखो, अगर आपको रियली एक्टिंग आती है सो यू हैव टू ट्राई, है ना. बिकॉज एक चीज ही मैंने सुना था, ऋतिक रोशन से सुना था, ट्राई अगेन टिल यू गेन द सक्सेस. सो आप जब तक ट्राई नहीं करोगे और आप बोलोगे यार मैंने एक बार ट्राई किया और मुझे सक्सेस नहीं मिला, तुरंत सक्सेस किसी को नहीं मिलता. आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. मैंने भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है. मैंने 1000 रुपीज से कमाना स्टार्ट किया था, अब जाके मेरे को धीरे धीरे हुआ है. मैं बेसिकली ये नहीं बोलूंगी मैं अभी तक हुई हूँ. आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग एंड आई विल स्ट्रगल जब तक मुझे एक मुकाम नहीं मिल जाता है. एंड या, यू आर वेलकम टू दिस इंडस्ट्री. आई एम देयर टू हेल्प यू गाइस. आपको कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज कॉन्टैक्ट करो मुझे, डीएम करो, कुछ भी हेल्प चाहिए. बट डोंट गेट टू एनी कॉन थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल. बहुत कॉन रहते हैं आपको स्कैम करने के लिए तैयार रहते हैं कि गिव मी दिस रजिस्ट्रेशन फीस एंड आई विल गिव यू दिस वर्क. डोंट डू दैट. एग्जैक्टली. तो एक बात बताइए आयुषी, आपने मेरे साथ एक फिल्म की हुई है जी, हमने एक ही बार अभी तक काम किया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने जो आपको ब्रीफ किया था, मैंने आपसे वही करवाया या कुछ अलग सा करवाया, और मैंने आपके कंफर्ट जोन का कितना ख्याल रखा, दर्शकों को बताइए. यू वर अमेजिंग विद मी. वी इंस्टेंट बिकेम फ्रेंड्स ओवर देयर. हमारा कनेक्शन ऐसा हुआ कि आज देखिए हम लोग साथ एक टॉक शो कर रहे हैं, राइट. यस. So yeah, I had a fun with you and I want to shoot with you again. Thank you Ayushi. और Ayushi, कुछ अपने Instagram handle बता दीजिए ताकि लोग आपको follow कर सकें. See, my Instagram ID is bhavmik_6331. वो मेरा current account है. और हाँ, लोगों को confusion बहुत रहते हैं, मेरे 2 account hack हो चुके हैं, तो please उस account में बिल्कुल message मत कीजिए, मैं नहीं देख पाऊंगी. So my current account is bhavmik_6331. आप मुझे उधर फॉलो कीजिए. सो दोस्तों, आयुषी भौमिक को देखते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए, और आपके प्यार की जरूरत हम सबको है. और हमारे शो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके लोगों में वायरल करिए. एंड थैंक यू आयुषी फॉर ज्वाइनिंग अस हियर. थैंक यू.